दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, आज के इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। हे देयर, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, सिंथेसिस पार्ट टू है ये वीडियो। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि आप जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो आप एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आज आप सीखने वाले हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। इसके अगले पार्ट में आप सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट वन ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। आज का जो है टॉपिक वो है कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं। तो जो क्वेश्चन आता है ना वो कुछ इस तरीके से आता है, कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इनडिपेंडेंट क्लॉजेज हों वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। सिंपल सेंटेंस जब आपको बनाना था तो उसमें मैंने कहा आपको ये ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो जितने भी और वर्ब्स हैं उन्हें नॉन फाइनाइट में चेंज कर दे, क्योंकि इट्स बट ऑब्वियस कि जब आपके सामने दो या तीन सेंटेंसेज हैं तो उनमें दो या तीन वर्ब्स ही होंगे, तो एक को फाइनाइट रखना था और सबको नॉन फाइनाइट कर देना था। आज के इस वीडियो में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो कम से कम दो सब्जेक्ट होने चाहिए और दो वर्ब्स होनी चाहिए। ठीक है, कैसे सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन कम से कम दो सब्जेक्ट और दो वर्ब यानी कि दो प्रेडिकेट्स तो होने ही होने चाहिए, तभी वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, वरना वो एक सिंपल सेंटेंस भी कहला सकता है। तो चलिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं पहले ये समझ लें। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज को एज अ बॉय समझिए, जैसे कहा जाता है ना कि लड़के इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी पे किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती, तो वही कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना है, अपने आप में वो एक सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, रोहन टेक्स टी एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी। यहाँ पे रोहन टेक्स टी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और मीरा टेक्स कॉफ़ी बोलें तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे समझा, ये जो एंड है इसी से मैंने इन दोनों को जोड़ा है। अब अगर इसे मैं कवर कर लूँ, आप पढ़िए रोहन टेक्स टी फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो ये एक सेंटेंस है अपने आप में, पूरा मतलब निकल रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसे कवर्ड रहने दीजिए, पढ़िए मीरा टेक्स कॉफ़ी, तो ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस जिसका पूरा पूरा मतलब निकल रहा है, इसे किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या है, यहाँ मैंने रोहन टेक्स टी और मीरा टेक्स कॉफ़ी दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा है इससे, कॉमा और एंड से। बस यही आपको करना है, एकदम सिंपल है। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, समझ लीजिए अलग अलग दो सेंटेंसेस हैं, रोहन टेक्स टी मीरा टेक्स कॉफ़ी, दोनों को आपने जोड़ दिया। कैसे, रोहन टेक्स टी एंड मीरा टेक्स कॉफ़ी, यही आपको करना है और कंपाउंड सेंटेंस बन गया। है ना आसान, बहुत ही आसान है। अब आप सोचोगे यहाँ रोहन है यहाँ मीरा है, दो सब्जेक्ट मैंने बोला तो दो अलग अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे शी इज़ रिच बट शी इज़ माइजर, तो यहाँ देखिए मैं इसी शी की बात कर रही हूँ, लेकिन दोनों जगह पर प्लेस किया है। मैं ये भी बोल सकती हूँ शी इज़ रिच बट माइजर बोल सकती हूँ, लेकिन वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हमने जब यहाँ पे फिर से शी को यूज़ कर लिया तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट या दो वर्ब कह लीजिए। क्लियर हुआ, एकदम आसान है। ये हम कैसे चूज़ करें कि एंड लगाएं कि बट लगाएं, ये सब आपको बताऊंगी। तो ओवरऑल क्या निकला, मतलब कम से कम दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स या फिर दो प्रेडिकेट्स होंगे, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर आप तीन सेंटेंसेस को जोड़े तो तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब्स आ जाएं, तभी वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। बस ध्यान इतना रखिए, जिस चीज़ से जोड़िए, मैं अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जिस चीज़ से जोड़िए जब आप उसे हटा भी दें और उसको हटा के फुल स्टॉप लगा दें वहाँ वहाँ, तो पूरा पूरा मतलब निकलना चाहिए, अलग अलग सेंटेंस बन जाने चाहिए बस। तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। आई एट डिनर एक सेंटेंस, आई वेंट टू द वॉशरूम, मैंने डिनर किया मैं वॉशरूम गई, ये दो सेंटेंस हैं। अगर इसे हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर लिया, अब इन्हें हिंदी में ही जोड़ लेते हैं, मैंने डिनर किया और मैं वॉशरूम गई, हो गया ना, और से जोड़ा हमने, तो क्या करेंगे, आई एट डिनर एंड वेंट टू द वॉशरूम,
यहाँ ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एंड के बाद आई नहीं लगाया है. मैंने क्या कहा था कि दो सब्जेक्ट रखने होंगे और दो वर्ब्स रखने होंगे, इतना कंपल्सरी है. तो आई एट डिनर एंड आई वेंट टू द वॉशरूम. चलिए ये कर दिया, तब भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि अभी भी एक चीज़ मिसिंग है और वो है कॉमा. तो जब भी आप एंड से जोड़ तो रहे हैं, एंड से या बट से, उनके पहले कॉमा ज़रूर से आएगा. और ये एंड बट हैं क्या? ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ. अगर आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले वीडियो ना देखी हो, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि ये जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं, वहाँ आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़रूर से देख लीजिएगा. तो ये सही सेंटेंस है जिसमें आपने कहा आई एट डिनर कॉमा एंड आई वेंट टू द वॉशरूम. दो सब्जेक्ट भी हो गए और दो प्रेडिकेट्स भी हो गए, और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसे जोड़ा पर साथ में कॉमा लगाया. ये रूल है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. और उसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एट डिनर सेमी कॉलन लगाइए, फिर बोलिए आई वेंट टू द वॉशरूम. यानी कि इन दोनों सेंटेंस में फुल स्टॉप को हटा के सिर्फ सेमी कॉलन लगा दिया और बात बन गई. इतना आसान, बेहद आसान कंपाउंड सेंटेंस बनाना. एक और आपके लिए देती हूँ, अभी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना. ही टुक माई नोटबुक यस्टरडे, वो मेरी कॉपी कल ले गया था. ही रिटर्न्ड इट टुडे, उसने आज लौटा दिया. तो इसे आपको जोड़ना है, और किस तरीके से वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वो इसी तरीके से जुड़ेगा. ये भी एक कहानी की तरह है. तो कैसे जोड़ेंगे? और से जोड़ेंगे. अब और की इंग्लिश एंड लिखनी कैसे, ये आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में. अब मैं आपको बताऊं कि चार तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें दो मैं आपको बता चुकी हूं. तो फिर से एक बार रूल को समझ लेते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके आप जोड़ सकते हैं सबसे पहला, और यही ध्यान रखना है, यही आपको करना भी है. सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ने की कोशिश करनी है आपको. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने का तरीका है फैन बॉयज. फैन बॉयज क्या है? सबका पहला पहला लेटर लिखा है, फॉर का, एंड का, ठीक है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये साथ के साथ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन जब भी इनका यूज करें तो ध्यान क्या रखेंगे, इसमें जो कंजंक्शन है उससे पहले कॉमा जरूर आएगा. तो कॉमा ज़रूर लगाइएगा. किसी किसी केस में नहीं लगाते, जब बहुत ही छोटे छोटे क्लॉजेज होते हो, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनर यही तो चेक करना चाह रहा है, तो कॉमा ज़रूर लगाइएगा. ठीक है, तो क्या है कॉमा देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कुछ इस तरीके से. अब दूसरा है, सिर्फ एक सेमी कॉलन का प्रयोग कर लें अगर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते ही तब हैं जब आइडियाज़ रिलेटेड हो, तभी तो हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक ही सेंटेंस में डाल देते हैं. लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बात एकदम क्लियर है, तो आप सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली आपको कोशिश करनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनाने की. और जब सेमी कॉलन यूज़ करें तो सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन लगाना है, और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी एक्स्ट्रा. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है. आई मेड द केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, मैंने केक बनाया, मेरे सिस्टर ने इसे सजाया. तो यहाँ हम और से इसे जोड़ सकते हैं बड़े आराम से. आई मेड द केक एंड माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, लेकिन उसके पहले हम यूज़ करेंगे कॉमा. तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब आई मेड द केक सेमी कॉलन एंड वैन कुछ नहीं लगाना, आप सीधे माई सिस्टर डेकोरेटेड इट. लेकिन ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन पे सेंटेंस एंड नहीं होता, इसलिए सेमी कॉलन के बाद स्मॉल लेटर से चीज़ें शुरू होंगी. तो यहाँ माई कैपिटल था बट यहाँ हमने स्मॉल किया. एक्सेप्ट आई या फिर किसी का नाम, अगर आई है तो कैपिटल से ही लिखा जाएगा, किसी का नाम है तो भी कैपिटल से लिखा जाएगा. क्लियर? दो तरीके आपके लिए क्लियर हो गए. एक और, दिल्ली इज इन इंडिया, लंदन इज इन इंग्लैंड. तो ये क्या है कि दिल्ली भारत में है, दिल्ली भारत में है, और लंदन इंग्लैंड में है. तो और से, जैसे मैंने सेंटेंस बोला हिंदी में और अपने आप लग गया, वैसे ही आपको इसमें भी लगाना है. दिल्ली इज इन इंडिया कॉमा एंड लंदन इज इन इंग्लैंड, परफेक्ट सेंटेंस. अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो आप गलती करेंगे. अब दिल्ली इज इन इंडिया सेमी कॉलन लंदन इज इन इंग्लैंड, क्योंकि ये नाम है ना लंदन, ये कैपिटल से ही लिखा जाएगा. क्लियर? अब एक और, देयर वॉज अ शॉर्ट सर्किट द लाइट वेंट आउट. शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट चली गई. देयर वॉज अ शॉर्ट सर्किट एंड द लाइट वेंट आउट, कहानी की तरह पहले वो हुआ फिर वो हुआ, तो और लगा के जोड़ दिया. अब इसे हम सेमी कॉलन की मदद से कैसे बनाएंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और जल्दी जल्दी लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए.
अब मैंने आपसे कहा, आपने दो तरीके तो बिल्कुल समझ लिए कि हम कॉमा लगाएंगे फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे, कौन से, फैन बॉयज, या फिर हम सिर्फ सेमीकॉलन यूज़ करेंगे। अब मैंने कहा था चार तरीके हैं, तो तीसरा भी तो समझिए। और तीसरे की ज़रूरत तब पड़ती है कुछ ऐसे सेंटेंसेस सामने आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से नहीं बनते, तब हम यूज़ करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? पेयर्ड कंजंक्शन, समझ में आ जाएगा आपको, तो इनका प्रयोग करना है। मैं आपको बताती हूँ होते क्या हैं ये पहले। तो देखिए, ईदर और जस्ट एज सो, ये पेयर्ड कंजंक्शन है ना, ये जितने आप देख रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इनकी मदद करके भी हम इन्हें बनाते हैं, लेकिन इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। तो परफेक्ट इंग्लिश लिखनी है तभी परफेक्ट मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरे हैं इनसे पहले पहले हमें यहाँ पर कॉमा लगाना रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, समय से आना, Do not come at all, बिल्कुल मत आना, समय से आना, क्या बोलेंगे, या तो समय से आना या बिल्कुल मत आना, मतलब आना ही मत, ठीक है। और आप इसको सिर्फ और सिर्फ और की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन पेयर्ड कंजंक्शन समझना है। तो देखिए, either come in time or do not come at all, और से पहले हमने लगाया कॉमा, कॉमा के बाद स्पेस छोड़ना है, याद रखिएगा। Come with me, stay at home, इसका जवाब आपको देना है, इसको इसी तरीके से बनाएंगे, कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पर रहो, तो या तो मेरे साथ आओ या तो घर पर रहो, इसको आपको बना के कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। अब चौथा तरीका समझ लेते हैं। अब चौथा तरीका है कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके। अब ये क्या होते हैं तो इन्हें भी पहले देख लेते हैं कि होते क्या हैं। ये सभी हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और भी होते हैं जैसे एज अ रिजल्ट, ज़्यादातर आपने देखा होगा, हाउएवर बहुत यूज़ होता है, हेंस बहुत यूज़ होता है, इनफैक्ट, मोर ओवर, नेवर द लेस, ये सभी, ऑन द अदर हैंड, ये सभी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। और इनका प्रयोग जब आप करेंगे तो ध्यान देखिएगा कि रूल क्या है। इसमें कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकॉलन लगाएंगे और बाद में कॉमा लगाते हैं, तो सेमीकॉलन प्लस कंजंक्टिव एडवर्ब प्लस कॉमा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हाउएवर की हेल्प से मैंने आपको समझाया। एग्जांपल देखिए, आई मेड द केक, माय सिस्टर डेकोरेटेड इट, सेम सेंटेंस हमने वहाँ पे क्या बनाया था, एंड की मदद से, इसे हम बनाएंगे हाउएवर की मदद से। आई मेड द केक, सेमीकॉलन, फिर स्पेस, फिर हाउएवर, कॉमा, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट। इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया, इनको आगे पीछे किया, गलत किया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो आपने हाउएवर यूज़ करके इस तरीके से बनाया, मैंने केक बनाया हालांकि मेरी बहन ने इसे सजाया, क्लियर। He is the son of a mathematician. He is a very sharp-minded boy. इसका जवाब आपको लिखना है। और ये ऐसे examples मैंने उठाए हैं जो कि examinations में आ चुके हैं, किसी न किसी year में ये सब आ चुके हैं, और मैंने वही उठाए ताकि आपकी practice हो जाए। यहाँ पे आपको however नहीं use करना, लेकिन आपको यहाँ पर use करना है conjunctive adverb ही। तो मैं बता दूँ कि अगर conjunctive adverb use करेंगे तो therefore की मदद से बनाएंगे, और अगर आप इसे बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से तब आप यहाँ पर सो का यूज करेंगे। पर लिखना कैसे है वो आपको बताना है। चलिए अब मैं कराती हूँ एक्सरसाइज। तो देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं वहाँ एक हफ्ते के लिए रुकूंगी। तो यहाँ पे मैं एंड से इसे जोड़ सकती हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है और वो है कॉमा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली कॉमा एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, क्लियर। मेक हेस्ट, यू विल बी लेट, जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी, वरना के लिए और लगा दिया कॉमा। और रोहन वांटेड टू प्ले टेनिस, मीरा वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, रोहन टेनिस खेलना चाहता था, मीरा बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, जोड़ेंगे क्या बनेगा, रोहन वांटेड टू प्ले टेनिस कॉमा मीरा वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। और ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉमा तो लगा है लेकिन कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं जोड़ा, और इस मिस्टेक को कहा जाता है कॉमा स्प्लाइस। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सिर्फ और सिर्फ कॉमा से नहीं जोड़ सकते, अगर कॉमा लगाया है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा ही आएगा। रोहन वांटेड टू प्ले टेनिस कॉमा बट मीरा वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल,
रोहन वॉन्टेड टू प्ले टेनिस सेमी कॉलन मीरा वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल, ये दोनों सही हैं। रोहन वॉन्टेड टू प्ले टेनिस, हाउ एवर मीरा वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल। जहाँ भी आप बट लगाते हैं वहाँ आप हाउ एवर से उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हाउ एवर यूज़ करेंगे तो पहले सेमी कॉलन बाद में कॉमा, और बट यूज़ करेंगे तो सिर्फ पहले कॉमा। दोनों का फ़र्क आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। तो ये तीन तरीके सही हैं। आपने देखे सभी तरीके से इसे मैंने बनाया यानी कंबाइन किया, लेकिन एक तरीका जो कि था पेयर्ड कंजंक्शन वाला वो यहाँ पर लागू ही नहीं होगा, इसलिए उस तरीके से नहीं बनाया है। वी गॉट देयर अर्ली, वी गॉट रियली गुड सीट्स, हम वहाँ जल्दी पहुँचे, हमें बहुत अच्छी सीट्स मिली। वी गॉट देयर अर्ली एंड वी गॉट रियली गुड सीट्स। आगे शी इज रिच, शी इज माइजर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज एक लाइन से बता रही हूँ, एंड से जोड़ा, शी इज रिच बट शी इज माइजर, वो अमीर है लेकिन वो कंजूस है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट, तुम्हें अभी शुरू करना चाहिए, तुम्हें देर हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे, यू मस्ट स्टार्ट नाउ और यू विल बी लेट, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। वरना का सेंस आया और लगा दिया। ही ग्रू वेरी वीक, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, उसने व्रत नहीं तोड़ा, वो बहुत कमज़ोर हो गया फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। फिर भी के लिए येट, ही ग्रू वेरी वीक येट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। क्लियर। Everyone was busy. She went to the movie alone. सभी व्यस्त थे, वो मूवी अकेले चली गई। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, So everyone was busy. सभी व्यस्त थे इसलिए वो मूवी अकेले चली गई। तो इसलिए के लिए So. So she went to the movie alone. Clear? They have to catch the train. They must make haste. उन्हें ट्रेन पकड़नी है, उन्हें जल्दी करनी चाहिए। उन्हें ट्रेन पकड़नी है इसलिए उन्हें जल्दी करनी चाहिए। तो so की हेल्प से तो बना ही सकते हैं, लेकिन एक रह गया ना for. तो for का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो for का मतलब के लिए आप जानते हैं, लेकिन जब इन सेंस में यूज़ होगा यहाँ पे तो क्योंकि का सेंस आएगा, ठीक है। तो हम पलट देंगे, उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी है। तो फॉर, दे मस्ट मेक हेस्ट, फॉर दे हैव टू कैच द ट्रेन। अगर इसी सीक्वेंस में बनाते हैं तो सो की हेल्प से बनाते हैं। क्लियर हुआ, फॉर दे हैव टू कैच द ट्रेन। अगला, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो, मैं दिल्ली नहीं गई, मेरा भाई नहीं गया दिल्ली, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली नॉर डिड माई ब्रदर गो, I did not go to Delhi, nor did my brother go. अगर ध्यान दें यहाँ पे तो आप पाएंगे, यहाँ मैंने ये नहीं कहा nor my brother did go, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव इन्वर्जन किया है। इसे नेगेटिव इन्वर्जन कहा जाता है। जब भी आप nor की मदद से बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, nor फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होती हैं और यही गलती करके आप चले आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। अब इस पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि क्लियर हो। वी हैव नेवर बीन टू अमेरिका, वी हैव नेवर विजिटेड इंग्लैंड, हम अमेरिका कभी नहीं गए, हम इंग्लैंड कभी नहीं गए। तो यहाँ पे भी क्या, हम अमेरिका कभी नहीं गए, न ही हम कभी इंग्लैंड गए। वी हैव नेवर बीन टू अमेरिका नॉर Have we visited England? तो we have था लेकिन उसे पलट दिया, negative inversion किया, have we कर दिया। Clear, इसका ध्यान रखिएगा। He doesn't understand, he doesn't care. अभी तक आपने सीखा जितने सातों coordinating conjunction मैंने आपको बता दिए। अब है he doesn't understand, वो समझता नहीं, he doesn't care, उसे परवाह नहीं है। ना तो वो समझता है ना ही उसे परवाह है। तो यहाँ हम बनाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन से, यानी कि पेयर, न तो न, इस तरीके से बनाना है ना, नीदर डज ही अंडरस्टैंड नॉर डज ही केयर। तो अब आप पाएंगे यहाँ भी हमने क्या किया है, नेगेटिव इन्वर्जन किया है, वो भी दोनों में। तो नॉर वाले में सिर्फ उसके साथ था, नीदर नॉर बनाएंगे तो दोनों में नेगेटिव इन्वर्जन होगा। नीदर ही डज नहीं करना है, नीदर डज ही अंडरस्टैंड नॉर डज ही केयर। तो यहाँ भी पहले वर्ब, यहाँ भी पहले वर्ब, इसको याद रखिएगा। ही डजंट अंडरस्टैंड एंड ही डजंट केयर, आप इस तरीके से बना सकते हैं सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मैं सजेस्ट यही करूँगी, कोशिश कीजिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनाइए, सबसे ज़्यादा आसान है। कॉमा लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। बस समझ लीजिए कि अगर विरोध बता रहा है तो हम बट का यूज़ कर लें, फिर भी कह रहे हैं तो येट का यूज़ कर लें। अगर उनसे ना बन पाए तब इन विधियों से बनाने की कोशिश कीजिएगा। राम इज वाइज, राम इज जेंटल, राम बुद्धिमान है, राम विनम्र है। तो न केवल राम बुद्धिमान है बल्कि वह विनम्र भी है, इस तरीके से बोलते हैं ना आप।
क्या बोलेंगे, नॉट ओनली इज राम वाइज बट ही ऑल्सो इज जेंटल। सुनने में ये भी आपको अटपटा लगा होगा, नॉट ओनली राम इज वाइज करना है, लेकिन इसमें भी रूल है, इसमें भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव इन्वर्जन करते हैं, जैसे हम नीदर नॉन में करते हैं। तो नॉट ओनली, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, नॉट ओनली इज राम वाइज बट ही ऑल्सो इज जेंटल। ध्यान रखिएगा, जब बट से शुरुआत हो, जो रूल है मैंने लिख दिया है, जब बट से शुरुआत हो दूसरे यानी सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो बट और ऑल्सो जो रूल है, बट ऑल्सो यूज करते हैं ना, बट ऑल्सो के बीच में आएगा वो सब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन बट एंड ऑल्सो। तो नॉट ओनली इज राम वाइज बट ही ऑल्सो इज जेंटल, इसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस बनाएंगे उसका पैटर्न यही होगा, ठीक है। The speaker was very nervous. He therefore could not speak. The speaker was very nervous. Therefore he could not speak. यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस दिया है, यूज therefore का किया गया है, बट सेंटेंस अलग अलग कर दिया गया है। अब क्या है, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, सेमी कॉलन, therefore comma, he could not speak. स्पीकर बहुत नर्वस था इसलिए वो बोल नहीं पाया, क्लियर। द गर्ल प्लेड वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले। लड़की ने वॉलीबॉल खेला और लड़कों ने खेला ही नहीं। द गर्ल प्लेड वॉलीबॉल हाउएवर, हालांकि द बॉयज डिड नॉट प्ले, इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर द गर्ल प्लेड वॉलीबॉल बट द बॉयज डिड नॉट प्ले। तो आप पाएंगे जहां जहां बट का यूज कर रहे हैं उसे आप हाउएवर से एक्सचेंज कर पा रहे हैं। द बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय वॉज फाइंड, लड़के को सजा मिली और लड़के पर फाइन लगाया गया। तो न केवल लड़के को सजा मिली बल्कि उस पर फाइन भी लगाया गया, नॉट ओनली का यूज करते हैं। नॉट ओनली वॉज द बॉय पनिश्ड बट ही ऑल्सो वॉज फाइंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली वॉज यानी नॉट ओनली पहले यूज किया हमने, फिर हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने यूज किया सब्जेक्ट, द बॉय पनिश्ड बट, फिर यहाँ पे बट और ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट, जो मैंने आपको रूल बताया, वॉज फाइंड। अब आपके लिए है ये एक्सरसाइज जिसे आपको करना है, और इसका जवाब, इस एक्सरसाइज का उत्तर वेबसाइट पर दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके सामने सब सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक वीडियो की लिंक मिल जाती है। अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाया करिए, राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको ट्राइंगल शेप का एक मार्क दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर इसका जवाब पहले से ही मैंने दे रखा है। तो इसे आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब उसे देखिएगा ताकि आपको वो चीजें याद हो जाएं, खुद को समझ में आए, तो कोशिश आपको खुद से करनी है। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप कि आज की ये वीडियो, आज के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। कंपाउंड सेंटेंस बनाना आसान है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज का यूज करके सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता, कुछ ही ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते, तब आप उनको को रिलेटिव से, को रिलेटिव कंजंक्शन से, या फिर लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, कंजंक्टिव एडवर्ब से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि किसके बाद कॉमा, किसके पहले सेमी कॉलन, कैसे यूज करना है, इसे फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए ताकि यहाँ आप गलती ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आई होप कि आप लोगों के लिए क्लियर हो गया हो। फिर मिलूंगी आपसे सिंथेसिस पार्ट 3 लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं वो सीखेंगे। तो गाइज, वीडियो में जरूर लिख के बताएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके फोन पे घंटी बजे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। सी यू सून।